तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? हमें आशा है कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और बताइए दोस्तों, तो ये आज ये हमारे गांव का सीन देखिए आप लोग, और ये शीशम का पेड़, और उसके पीछे नीचे हम लोग हैं। धूप हुई है तो इसलिए थोड़ा छाया, इसलिए यहाँ आए हैं। मैं सोचा थोड़ा एक ब्लॉग बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारे, आ जा सौरभ जी, इधर आओ। तो दोस्तों, इस ट्यूबवेल का पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा ट्यूबवेल, इससे पानी आया खेत में ही। तो हम दिखाते हैं, और ये यहाँ पे कांकर वगैरह इसमें बोया गया, खीरा वगैरह, खीरा बोया है उसमें, और यहाँ पे धान का बीजा उगाया गया है, इसमें पानी भर दिया हूँ अभी। और ये है सूरजमुखी, बिना दिखा रही है सूरजमुखी में, ये है सूरजमुखी, हम आप लोगों को दिखाते हैं ये वाली, देखिए अभी ये फर, और ये बड़ा बड़ा हो गया है सूरजमुखी, इसका फूल ऐसे आता है। और ये सूरजमुखी का फूल अभी ये निकल रहा है, वो ख़त्म हो गया है, ये वाला है। ये देखिए दोस्तों, सूरजमुखी इसको बोलते हैं। और ये है बीना जी, हाय दोस्तों, क्या कर रही हैं बीना जी? चुकंदर उखाड़ रही हूँ। कहाँ है चुकंदर? अच्छा, और ये रहा चुकंदर दोस्तों, चुकंदर भी इसी में लगा है हम लोग दोस्तों, और भिंडी भी उधर रखा हुआ है, उधर लौकी बोया हुआ है, सारे चीज इसी में बोया हुआ है, और गाड़ भी थी उसी में। और तो ये देखो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं रोड पे, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये खेत हम लोगों का, ये हमारे चाचा जी का है, सिपाही हैं वो, तो उनका खेत है ये। और ये इधर क्या बोया हुआ है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, मुंगवा बोया हुआ है दोस्तों। और मैं चप्पल नहीं पहना हूँ दोस्तों, ना जूता ही ऐसे चलाया, मैं सोचा पानी भराना है, थोड़ा कीचड़ है इसलिए जूता चप्पल नहीं पहना। और इसमें सरसों का ये डंठा हुआ है, और इस पैर में लग रहा था, इसलिए मैं मेड़ पे चल रहा हूँ। और मुंगवा बोया हुआ है इधर, सबके खेत में मुंगवा बोते हैं अपना लोग, हमारा भी मुंगवा बोया हुआ था, उधर पानी भर गया, इधर ये भी मुंगवा है, ये अभी फड़ा हुआ नहीं है। और एक पाकड़ का पेड़ है, देख रहे होंगे आप लोग। और ये ट्यूबवेल, यहाँ से पानी जाता है ट्यूबवेल खेतों में हमारे। और ये रोड रहा, मेन रोड यही है दोस्तों, जो घर वाला रोड है वो तो अपना हम लोग बनवाए हैं खुद का, कि अपने सुविधा के लिए आने जाने के लिए, लेकिन चालू है ये, इस पे कोई आता जाता नहीं है, लेकिन ये सरकारी रोड है, और वो तो हम लोग अपने सुविधा के लिए बनवाए हैं। और मेन रोड है सरकारी, ये सरकार ने पास किया है, तो अभी इस पे कोई गाड़ी चलती ही नहीं है, इस पे मेन वही चलता है, उसी पे गाड़ी 24 घंटा चलती रहती है, चालू रहता है। तो ये हमारा गाँव है दोस्तों, और कई कमेंट करके कृपया आप लोग बताना कि मेरा गांव कैसा लगा। हमारे ब्लॉक में बने रहिए, और मैं चल रहा हूँ अब घूमने थोड़ा अपने गांव में, इधर हमारे चाचा जी रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे मिलते हैं। तो ऐसे आ गए, और ये बैंगन लगा हुआ है दोस्तों, देखिए बैंगन का पेड़ है, ये बैंगन फड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए ये है बैंगन, ये बैंगन फड़ा हुआ है,
और ये मिर्ची है, मिर्ची देखिए, मिर्ची भी फरी हुई है। हमारे सब चीज़ होता है दोस्तों। और ये मिर्ची है और तो ऐसे हमारे बिल्कुल रास्ते से इधर से और चलेंगे दोस्तों। ये सब इधर बहुत खेतों इधर रहता है खाली एकदम है पूरा। और ये मुंगवा लगा हुआ है, रोड पे मैं चल रहा हूँ इस पे ऐसे। अब चलते चलेंगे फिर उधर भी रोड है, चारों तरफ से इधर रोड है, कहीं दिक्कत नहीं, किधर से भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और एक आम का पेड़ फरा हुआ नहीं अभी, ऐसे मेरा गांव, ये मेरा गांव है दोस्तों। गांव में आकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए कि गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी सब कुछ मिलता है। और ये आम का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों, ये मेरे चाचा जी का, हमारे चार भाई हैं हम लोग, पिताजी हमारे, हाँ तो मेरे चाचा जी का। और लाइन से खेत लगा हुआ है सब, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। फिर उधर से था ऐसे ऐसे आ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ ये लाइट, मेन लाइट आती है यहाँ से, बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम आ गए मेन रोड पे और चल रहे इधर फिर। और ये रहा मेन रोड और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लाइट है, यहाँ से लाइट आती है। ये देखो दोस्तों, ये तरकुल का पेड़, अभी छोटा पेड़ है, ये देखो दिख रहा है ना, ये तरकुल का पेड़। इस पर से ताड़े उतरते, लेकिन अब ये छोटा है, फड़ा नहीं है, इसलिए इस पर से ताड़ी नहीं उतर पाएगी। और मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों ये रहा मेन रोड और हमारे साले साहब आ रहे हैं बाइक से, और पीछे मेरे छोटे साले साड़ू हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये हैं मेरे साले, अरे मेरे सबसे छोटे साड़ू, अरे लोग। और रास्ते में लोग मिल गए, चलते रहें।